हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे खान के ब्लॉग में। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक हॉन्टेड जगह में। तो गाइस, मैं इस जगह का जो कहानी है मैं आपको बता दूं, ये रेगिस्तान है अभी फिलहाल। पहले रेगिस्तान था नहीं गाइस, ये अभी फिलहाल बन चुका है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक गाँव था, बहुत बड़ा गाँव था। यहाँ पे कहते हैं लोग ना, यहाँ पे बंजारन को जला दिया था। जब से बंजारन को यहाँ पे जलाया गया है, जब से उस बंजारन के यहाँ पे बास हो गया है। जो यहाँ पे लोग रहते थे, कोई डर के किसको नजर आते थे, डर सब खाली करके भाग गए। तो यहाँ पे वो जो बंजारन थी, भोजनों को मारी चुकी है उसने, डर के मारे सब चले गए हैं। तो पता नहीं, सब यहाँ से सब खाली हो गया था। खाली होने के बाद जो गांव थे, जो घर घुर थे, सारा जमीन के अंदर चला गया। अभी तक कोई गांव नहीं मिला नहीं है। खुदाई चल रही है, आप देख सकते हो, और खुदाई चल रही है, लेकिन अभी तक घर घर का कोई पता वता नहीं है। हम भी देखने आए कि हमको नजर आती है कि नहीं, हम भी देखेंगे। तो भैया यहाँ चले नीचे पहले सुन ले। हाँ भैया, यहाँ खुदाई चल रही है गाइस, आपको दिखा देता हूँ मैं पहले। गाइस आप यहाँ फोकस कर सकते हो, गाइस खुदाई चल रही है, घर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इसमें मिट्टी आ चुकी है, मतलब तूफान तूफान से आके मिट्टी भर चुका है गाइस। यहाँ पे खुदाई चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। अभी ये 500 साल पुराना कहानी है गाइस, 500 साल पुराना। अभी तो फिलहाल आसपास थोड़े बहुत आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया जिस जगह में ये कांड हुआ है। तो हम देखना है कि हमको नजर आते हैं वो चीज़ की नहीं। गाइस आप देख सकते हो, चारों तरफ देख रहे हो, बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस। भाई वहाँ वहाँ चले क्या भाई? गाइस हम वो जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उस बंजारन को जलाया था। कि हम देखेंगे कि हमारे में हैवी होती कि हमको नजर आती थी कि अब नहीं आती है, कि उसको मुक्ति करा दिया गया है। हम वही चीज देखने आए भाई। काफी डरावना है यार, काफी ज्यादा डरावना गाइस है। तो गाइस आपके सामने देख सकते हो, खुदाई के बाद भी अभी तक उनको कुछ मिला नहीं है। फिलहाल अभी खुदाई बंद कर दी है इन्होंने, क्योंकि इनको कुछ अभी तक मिला नहीं है। गाइस आपको कुत्तों की आवाज आ रही होगी। लोग कहते हैं कि जहां पे कोई नेगेटिव शक्ति होती है वहाँ पे कुत्ते भौंकते जरूर है, क्योंकि उनको नजर आती है। जो जी हमको नजर नहीं आता उनको नजर आती है जी। नजर नहीं है ना भी जी। भाई हाँ जी भैया, वो देखो कहाँ पे, वो सामने कहाँ पे, सामने देखो, कैमरे में देखो, वो क्या चीज है? ओ भाई, पर सामने तो कुछ नहीं है भाई। इधर इधर आके देखो। ओ भाई कहाँ गया भाई? हो कहाँ गया भाई? यहाँ पे तो थी। आगे देख क्या भैया, देखते हैं। चलो चलो, हमको हैवी ना हो जाए हमारे ऊपर। ओ भाई, वो यहाँ कैसे चल रही थी गड्ढे में? पैरों को भी निशान नहीं है यहाँ पे। वो पहाड़ से क्या है, चले वहां क्या? चलो गाइस, आंखों के सामने से गायब हुई गाइस, आंखों के सामने से गाइस। वो चीज कैमरे में नजर आ रहा था, मैं कैमरे में देखा, जैसे मैं कैमरे में देखने के गायब हो गया इस चीज। गायब हो चुकी बिल्कुल, हम यहाँ पे आए भी हैं, दिखा नहीं। ओ
भैया कुछ नुकसाना पहुंचा दे हमारे को, इधर ही आ रही भैया। भाई सामने है भाई, भाई क्या है ये? भाई गायब हो गई। भाई कैमरे में कैप्चर किया था मैंने। भाई वहां चल के देखते, यहाँ चलते भैया, वहां देखते हैं पास में। भाई यहीं पे थी, भाई नहीं दिखाई दे रही। गाइस कुत्तों की भौंकने की आवाज बहुत जोर जोर से आ रही है। भैया वो जगह देखा ना, वो जगह तो नहीं जहाँ जलाई थी इसको? देख लेते भाई। भाई कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, ये तो कुछ और ही चीज है। वो कह रहे थे ना पेड़ होगा यार, ये रेगिस्तान के बीच में ये कैसे, किसने इतनी दूर कौन लेके आया वो इसको, या कोई घर वर है इसके नीचे? कोई चीज का संकेत देना चाहता होगा शायद ये। सबको गाड़ी की आवाज आ रही होगी काफी ज्यादा, आगे जाके एक हाईवे बनाया है, नौ ही है वो भी, स्टार्टिंग का जहां से हम भी आए हैं वहीं से होके हम भी आए हैं। भाई नहीं दिखाई दे रही यार वो, भैया मुझे ये डर है जैसे बाकी बंदों के साथ हुआ है हमारे साथ भी ना ऐसा हो जाए। भाई क्या बात, ये देख क्या ये भाई, मत यार ऐसे। भाई क्या बात, मैं जा रहा हूँ भाई, भाई निकलते हैं यार।